नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडियन टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये वार्म अप मैच कौन से वेन्यू पर खेला जाएगा, कितनी बजे से यह मुकाबला स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वार्म अप मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, आप इस वार्म अप मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस वार्म अप मैच के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया हो या फिर न्यूजीलैंड, दोनों टीमों के लिए ये दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच होने वाला है। इससे पहले इंडियन टीम ने अपने पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराया था, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम को अपने पहले वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, इंडियन टीम इस दूसरे वार्म अप मैच को जीतकर T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम पिछले मैच में मिली हार को भुलाकर इस मैच में जीत हासिल करके यहां पर फिर से विनिंग मोमेंटम को पाना चाहेगी। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस वार्म अप मैच की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वार्म अप मैच खेला जाएगा 19 अक्टूबर को ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस वार्म अप मैच के लिए दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि ये एक वार्म अप मैच है, अभ्यास मैच है, इसी वजह से इस मुकाबले में दोनों टीमें अपने स्क्वाड में मौजूद सभी 15 प्लेयर्स के साथ खेल सकती हैं। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, और इसका एग्जाम्पल आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वार्म अप मैच में भी देखा था। उस मुकाबले में इंडियन टीम ने टोटल 13 प्लेयर्स का इस्तेमाल किया था, तो कुछ वैसा ही नज़ारा आपको इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। फिर भी दोस्तों, अगर हम प्लेइंग 11 डिजाइन करें तो जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव या फिर दीपक हुड्डा को भी मौका दिया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव को रेस्ट देके, जिन्होंने पिछले वार्म अप मैच में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी। नंबर 5 पर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन या फिर युजवेंद्र चहल में से कोई एक खेल सकता है, या फिर दोनों को भी खिलाया जा सकता है। नंबर 9 पर आ सकते हैं हर्षल पटेल या फिर अर्शदीप सिंह, या फिर दोनों भी मुकाबला खेल सकते हैं। नंबर 10 पर आ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार, और नंबर 11 पर मोहम्मद शमी आने वाले हैं। के बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे फिन एलन के साथ मार्टिन गप्टिल, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन केन विलियमसन, नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 5 पर मार्क चैपमैन, नंबर 6 पर माइकल ब्रेसवेल, नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 8 पर एडम मिलने, नंबर 9 पर इश सोडी, नंबर 10 पर लॉकी फर्ग्यूसन और नंबर 11 पर टिम साउदी आ सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस वार्म अप मैच की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में आप इस वार्म अप मैच का लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश कमेंट्री में स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD चैनल की मदद से देख पाओगे, जबकि हिंदी कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी HD चैनल की मदद से भी एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अदर रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल चैनल, तेलुगु कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु चैनल और कन्नड़ा कमेंट्री में आप स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ा चैनल की मदद से भी एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि क्या DD स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस वार्म अप मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो जी नहीं दोस्तों, DD स्पोर्ट्स चैनल इस वार्म अप मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आप अपने मोबाइल फोन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी इस वार्म अप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वार्म अप मैच के बाद दोनों टीमें सुपर 12 स्टेज में मुकाबले खेलने वाली हैं, जहां पर अगर हम इंडियन टीम की बात कर लें तो इंडियन टीम सुपर 12 स्टेज में अपने अभियान की शुरुआत करेगी 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इस वार्म अप मैच के बाद सुपर 12 स्टेज में अपना पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में दोनों टीमों के पास मेन मैचेस स्टार्ट होने से पहले ये आखिरी मौका है तैयारियों के लिए और अपने सभी बॉक्सेस को टिक करने के लिए।
सो फ्रेंड्स, वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ये वार्म अप मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।